खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू अंडरग्राउंड हो गया। खबर है कि पिछले 4 महीनों में 5 बड़े खालिस्तानी आतंकियों की हत्या से पन्नू खौफ में, क्योंकि उसे डर है कि अगला शिकार वो खुद हो सकता है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक भारत की जांच एजेंसियों ने पिछले 6 महीनों से उस पर शिकंजा कस रखा है और भारत में उसके कई गुर्गे गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन हाल ही में ब्रिटेन में अवतार सिंह खांडा की संदिग्ध हालात में मौत और फिर 2 दिन पहले कैनेडा में छिपे 10 लाख के इनामी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद पन्नू खौफ में। क्योंकि खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक ये दोनों उसके करीबी थे और इसी वजह से उसने अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया था। पिछले 3 दिन से गुरपतवंत सिंह पन्नू की कोई खबर नहीं है, जबकि वो सोशल मीडिया पर बढ़ चढ़कर भारत विरोधी अभियान चलाता रहता है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, रूस ने एक बार फिर अपनी राजधानी मॉस्को के पास आतंकी हमला होने का बहुत बड़ा दावा किया। पिछले महीने भी मॉस्को में राष्ट्रपति दफ्तर के ऊपर ड्रोन उड़ते देखे गए थे और रूस यूक्रेन पर आग बबूला हो गया था। इस बार भी उसने यूक्रेन पर ही ये हमला करने का आरोप लगाया। उसके रक्षा मंत्रालय ने बताया कि यूक्रेन ने सुबह सुबह रूस पर ड्रोन अटैक किया और उसके एक मिलिट्री बेस की तरफ उन्हें उड़ा दिया। हालांकि इसके साथ रूस ने यह भी बताया कि उसने यूक्रेन के अटैक को कामयाब नहीं होने दिया और उसके 3 ड्रोन मार गिराए, जिसकी रूस ने जांच भी शुरू कर दी। पिछले महीने से रूस बार बार ड्रोन के आतंक से 2-4 हो रहा है, जिसका ठीकरा वो यूक्रेन पर फोड़ रहा है। हालांकि इस बार रूस ने ड्रोन हमलों का टारगेट नहीं बताया, लेकिन उसकी सरकारी न्यूज एजेंसी टास ने सूत्रों के हवाले से रूस के मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का दावा कर डाला, जिसके पास 3 ड्रोन मंडराने का दावा किया गया। हालांकि रूस के रक्षा मंत्रालय ने आगे यह भी साफ किया कि उसने यूक्रेन के प्लान पर पानी फेर दिया और तीनों ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया। बताया गया कि इसके बाद मॉस्को से करीब 60 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक गांव में उन ड्रोन का मलबा मिला। सबसे बड़ी बात यह कि उस गांव के पास ही रूस की सेना का अड्डा है। पिछले महीने भी रूस ने यूक्रेन पर मॉस्को में बहुत बड़ा ड्रोन अटैक करने का आरोप लगाया था। 3 मई को मॉस्को में राष्ट्रपति दफ्तर की इमारत के ऊपर ड्रोन मंडराने और फिर उनके क्रैश होने का वीडियो पूरी दुनिया ने देखा था। तब तो रूस ने सीधे सीधे बोला था कि यूक्रेन पुतिन की हत्या करना चाहता था। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जेलेंस्की की सेना का मुकाबला करने के लिए पुतिन ने जंग में अपने आत्मघाती टैंक उतार दिए। बताया गया कि रिमोट की मदद से चलने वाले ये टैंक दुश्मन के इलाके में धमाके के इरादे से भेजे गए ताकि यूक्रेन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके और इन हमलों में रूस के एक भी सैनिक की जान न जा पाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस के ये आत्मघाती टैंक रिमोट की मदद से चलते हैं, जो अपने साथ 6 टन विस्फोटक लेकर दुश्मन के ठिकानों पर पहुंचते हैं, जिसके बाद एक बटन दबाते ही वहां जोरदार धमाका कर दिया जाता है। यही वजह है कि रूस जंग में इन आत्मघाती टैंकों की तादाद लगातार बढ़ा रहा है, ताकि जेलेंस्की की सेना को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। हालांकि पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन की इस चाल को भांप लिया और ड्रोन की मदद से रूस के कई आत्मघाती टैंकों को निशाना बना लिया। उधर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने यह संकेत दे दिए कि उनके सैनिक भी जल्द ही जंग में रूस का साथ देते दिखाई देंगे। बेलारूस जंग की शुरुआत से ही रूस के साथ खड़ा है, यहां तक कि रूस ने कुछ दिन पहले अपनी परमाणु मिसाइलें भी बेलारूस में ही तैनात की, क्योंकि लुकाशेंको पुतिन के करीबी और अच्छे दोस्त माने जाते हैं। वहीं बेलारूस की सीमा यूक्रेन की सीमा से लगती है, जिसकी वजह से जंग में पुतिन का काम कई गुना आसान हो गया। अब जैसे जैसे जंग भीषण होती जा रही है, बेलारूस भी अपने सैनिकों को रूस का साथ देने के लिए तैयार कर रहा है, जिसके लिए रूस और बेलारूस की सेना के बीच कई अभ्यास भी हुए। रूस की इस तैयारी के बाद ये माना जा रहा है कि जंग और भीषण हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो लुकाशेंको की सेना भी रूस के लिए बंदूकें उठाने के लिए तैयार होगी। इधर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ मारपीट का आरोप लगाकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी धरने पर बैठ गए। आरोप है कि 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार जब ब्लॉक ऑफिस पहुंचे तो टीएमसी समर्थकों ने उन्हें पीट दिया, लेकिन जैसे ही हंगामा शुरू हुआ वहां मौजूद पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। पुलिस वालों ने बीडीओ के दफ्तर के बाहर जुटे टीएमसी और कांग्रेस समर्थकों को एक दूसरे से अलग किया। इस बीच दोनों पार्टियों के कुछ समर्थक आपस में भिड़ गए, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी शांत करा दिया। इसके बाद फिर कोई हंगामा न हो, इसलिए पुलिस वालों ने बीडीओ दफ्तर में जुटे सभी लोगों को वहां से खदेड़ना शुरू किया। बाद में इस घटना के विरोध में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने वहां नारे भी लगाए। कांग्रेस का आरोप है कि टीएमसी समर्थकों ने उनके उम्मीदवारों को बीडीओ के दफ्तर में जाने से रोका। और मुर्शिदाबाद में हुई इस मारपीट के विरोध में कोलकाता में कांग्रेस के कई नेताओं ने राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। उन्होंने टीएमसी समर्थकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, जिसके विरोध में कोलकाता में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान जो लोग आसानी से नहीं गए उन्हें पुलिस वालों ने जबरदस्ती उठाकर अपनी गाड़ी में बैठा दिया। इससे पहले कांग्रेस के कई नेताओं ने टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाते हुए राज्य चुनाव आयोग के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पोस्टरों के जरिए भी अपना विरोध जताया।
इस बीच पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस मुद्दे पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस को एक चिट्ठी लिखकर मामले में दखल देने की मांग की। वहीं पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। वहां उत्तर 24 परगना इलाके में फिर हिंसा भड़क गई। वहां की राजनीतिक पार्टियां टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच भड़की हिंसा में दोनों तरफ से जमकर बम बरसाए गए और फायरिंग भी की गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। आरोप है कि टीएमसी और आईएसएफ के कार्यकर्ताओं के बीच पंचायत चुनाव को लेकर भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी और बम भी फेंके गए, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी मच गई और वहां दहशत का माहौल बन गया। वहां पहुंची पुलिस ने जांच के दौरान एक बम भी बरामद किया, जिसे डिफ्यूज कर दिया गया। हालात को देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई। इस बीच पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी इलाके में एक शख्स की हत्या के बाद वहां हालात बिगड़ गए। बताया गया कि एक रात पहले वो आदमी अपने बेटे के साथ कहीं जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद उस इलाके के लोग गुस्से से आग बबूला हो गए और उन्होंने कई घरों में तोड़फोड़ करने के साथ ही कई दुकानों में आग लगा दी। वहां से सामने आए एक वीडियो में कुछ दुकानें पूरी तरह बर्बाद नजर आईं, वहीं कुछ से आग की लपटें भी निकलती दिखी। इसके अलावा भीड़ ने कई घरों को भी निशाना बनाया और उनमें रखा सामान तहस नहस कर दिया। बताया गया कि यह हंगामा गांव के एक शख्स की हत्या के बाद भड़का, जिस पर काबू पाने के लिए पश्चिम बंगाल की पुलिस समेत सुरक्षा बल के जवानों को वहां तैनात करना पड़ा, जिसके बाद वहां हंगामा कर रही भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस के जवान गश्त करते दिखाई दिए। उधर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अटलांटिक महासागर में गायब हुई टाइटन पनडुब्बी की खोज में अपने कई जंगी जहाज और विमान उतार दिए। दो दिन पहले टाइटन पनडुब्बी अटलांटिक महासागर में मौजूद टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने के लिए कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से रवाना हुई थी, लेकिन समंदर में उतरने के करीब दो घंटे के बाद टाइटन पनडुब्बी रडार से गायब हो गई। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पनडुब्बी में सिर्फ 24 घंटे की ऑक्सीजन बची है और वो करीब 72 घंटे से गायब है, इसलिए उस पनडुब्बी में मौजूद लोगों को 24 घंटे से पहले नहीं निकाला गया तो उनकी जान पर बनाएगी। इसी वजह से अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने अपने कई जंगी जहाज और विमान रवाना कर दिए। Two C-130s that conducted search and rescue flights. यही नहीं, अमेरिका ने सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर 26,000 वर्ग किलोमीटर कर दिया, ताकि टाइटन पनडुब्बी में मौजूद पांचों लोगों को 24 घंटे के अंदर ढूंढा जा सके। वहीं अमेरिकी मीडिया का दावा है कि टाइटन पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी पर 5 साल पहले सुरक्षा मानकों को न मानने का आरोप लगा था। ये पनडुब्बी 5 लोगों को लेकर टाइटैनिक जहाज का मलबा दिखाने गई थी, लेकिन रास्ते में ही गायब हो गई, जिसके बाद से ही उसकी तलाश जारी है। इस बीच अमेरिकी मीडिया का दावा है कि टाइटन पनडुब्बी को बनाने वाली कंपनी ओशन गेट पर 2018 में सुरक्षा मानकों को न मानने का आरोप लगा था। हैरानी की बात यह कि आरोप लगाने वाला ओशन गेट कंपनी का ही कर्मचारी था। उन्होंने 5 साल पहले टाइटन पनडुब्बी में कई खामियों का पता लगाकर अपनी कंपनी को आगाह किया, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उसकी सलाह को मानने के बजाय उसे कंपनी से ही निकाल दिया गया। बाद में उसने पुलिस से इसकी शिकायत भी की थी। अमेरिकी मीडिया का आरोप है कि टाइटन पनडुब्बी में उन खामियों को दूर नहीं किया गया, जिसकी वजह से अटलांटिक महासागर में अचानक उसका संपर्क अपने जहाज से टूट गया। उधर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने तब के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को घेरने के चक्कर में पाकिस्तान की फौज की बेइज्जती कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बाजवा पाकिस्तान की सेना को कमजोर समझते थे, और इमरान के मुताबिक बाजवा ने ही ये दावा किया कि पाकिस्तान की सेना में भारत से मुकाबला करने की ताकत नहीं है। एक इंटरव्यू के दौरान इमरान खान ने आरोप लगाया कि पूर्व आर्मी चीफ बाजवा ने अपनी ही सेना की कमजोरियां दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि वो पाकिस्तान में कानून का राज चाहते थे, लेकिन बाजवा इसके खिलाफ थे और वो फौज के हाथ में पूरी ताकत दिए जाने की पैरवी किया करते थे। इमरान का इल्जाम है कि जब उन्होंने अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सख्त कदम उठाए तो बाजवा ने उन्हें धोखा दे दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में इमरान सरकार का तख्तापलट हो गया। इस बीच अमेरिका दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत देखकर पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। वहां के पत्रकारों ने अपने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री मोदी से कूटनीति सीखने की सलाह दे डाली, और पाकिस्तानी पत्रकारों ने तो ये तक कह डाला कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया को दोस्ती का ऐसा पाठ पढ़ाया कि अमेरिका भी उनका दीवाना हो गया। पाकिस्तान के पत्रकार हमजा अजहर ने एक ट्वीट करते हुए शहबाज शरीफ को भारतीय प्रधानमंत्री से कूटनीति सीखने की सलाह दे दी। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और ट्विटर के मालिक इलॉन मस्क की मुलाकात का भी जिक्र किया, और पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए ये दावा किया कि भारत तकनीक के क्षेत्र में पाकिस्तान से कई गुना आगे है। वहीं उन्होंने यूएन में मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भी भारत की कूटनीति की जीत बताया।